वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू ओलिवबोर्ड। कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? राजेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, राहुल, ज्योत्सना, मोनिया, विजिता, गुना, शिवांगनी, सुलेखा, कैलाश, विशाखा, खुशबू जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। फ्राइडे है, डोंट फॉरगेट 3 o'clock विल डू द रिविजन ऑफ होल वीक। पूरे वीक का रिविजन करेंगे आज 3 o'clock पर। एंड GDP इज कंटिन्यूसली मीन्स द प्रोजेक्शंस ऑफ GDP कंटिन्यूसली अपडेटेड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सो बी कनेक्टेड विद देम। फॉर द कनेक्शंस आई एम देयर, मैं देता रहूँगा। बस आपको ये करना है, विद द टाइम आपको अपना जो नोट्स है वो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ, आज डिस्कस कर लेंगे कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने कितना किया है, NSO ने कितना किया है, फिक्की का क्या हुआ है, पूरा शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। विद दैट प्रीवियस टू डेज में जो हमने डिस्कस किए हुए हैं उनका रिवीजन भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs, एंड आफ्टर दैट 3 o'clock होल वीक रिवीजन। चलिए चलते हैं पहले न्यूज की तरफ, आते हैं फर्स्ट न्यूज पर। द फर्स्ट न्यूज इज इंपॉर्टेंट, एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले न्यूज देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स 5,000 crore रुपए प्रोजेक्ट फॉर नेचुरल गैस सप्लाई इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए नेचुरल गैस सप्लाई पाइपलाइन का काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 5,000 crore रुपए का प्रोजेक्ट, ठीक है? 5,000 crore रुपए का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अच्छा, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इट अंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसका मतलब समझ जाएंगे, काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है गाइज, वी हर्ड अबाउट PPP, राइट? बताएगा कोई PPP का फुल फॉर्म क्या है? वी हर्ड अबाउट PPP, या श्रेय, वी हैव क्लास ऑन एज ऑल्सो एट 4 o'clock, वो तो हमारा चलता ही रहेगा, एच के क्लासेस तो बिल्कुल टाइम पर है, कोई इश्यू नहीं है उसके साथ। PPP फुल फॉर्म, एनी आइडिया क्या है PPP का फुल फॉर्म? गाइज PPP, वी हर्ड अबाउट PPP, इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट, वेयर यू कैन से दैट द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट प्लेयर्स कम्स टुगेदर टू स्टार्ट एनी बिजनेस, टू स्टार्ट एनी सेटअप, एंड इट्स द कॉन्सेप्ट वेयर गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टू द प्राइवेट प्लेयर्स दैट कम इन्वेस्ट अर्न ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एंड गो। भाई आप आओ, इन्वेस्ट करो, पैसा अर्न करो, जो प्रॉपर्टी हमारी बनी है वो हमको ट्रांसफर कर दो, बिकॉज यू अर्न्ड इट, यू आपने अपना पैसा वापस ले लिया, जो आपके इन्वेस्टमेंट थे उनसे रिटर्न्स आ गए, नाउ यू कैन गो। सो दैट कॉन्सेप्ट इज PPP कॉन्सेप्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। अब इसमें वायबिलिटी गैप फंड क्या होता है, तो यहां पर अगर आप समझोगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग का कॉन्सेप्ट ये है, इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देयर इज अ एक्सपेंस ऑफ नियरली 9,256 crore, टोटल इन्वेस्टमेंट जो आने वाला है वो आने वाला है आपका 9,256 crore का, बट गवर्नमेंट ने कितना अप्रूव किया है 5,000 crore। रिमेनिंग अमाउंट कहां से आएगा? द रिमेनिंग अमाउंट विल कम फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करेंगे, बिडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड आफ्टर दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। Once they will earn the money, they will transfer the project to government of India, वापस कर देंगे सरकार को उनका project. Point clear हुआ मेरा? तो actually ये जो viability gap funding होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर government का investment होगा, and after that private player का investment होगा, तो जो government investment कर रही है उसको बोला जाता है viability gap funding. जो half investment आप बोल सकते हो, when the concept of VGF came, initially it was 20%, that government will invest 20%, remaining 80% will be invested by the private player. But with the time, it came to 50% also. In this project, government is investing nearly 60%. And remaining 40% will be invested by the private player. So, jo private player honge, unko 40% hi invest karna hai. To ab aisa kuch maximum limit nahi hai, ki viability gap funding ka maximum limit kya hoga. Mera concept clear hai, to jaldi se CC likh dein, kal ek बच्चा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CC? गाइज इट्स क्रिस्टल
clear. If the concept is clear, you can simply write and indicate me, sir, it's clear. ठीक है? Viability gap, funding clear. अब आते हैं वापस से news पर, because ये this concept is clear. 5000 crore government has approved for northeast states. India के northeast states के लिए किया है. The actual amount is, अगर full amount पूछ लेंगे, then the full amount is 5559 crore rupee approved by the government. It will be provided to Indradhanush Gas Grid Limited. It's a company which is owned by our Indian public sector companies, but it's a private company. It's unka ek subsidiary hai. So it's a private company, Indradhanush Gas Grid. Gas Grid Limited. This company will lead the project. It will implement the project. And approx, I said 60% cost bear by the government of India. Remaining 40% will be invested by the private players. The pipeline total length will be 1656 km. The total length of pipeline will be 1656 km. Deep data pooch leta, LIC mein poocha hua hai. To yaad rakhna thoda sa ki agar thoda deep mein jaakar current affairs mein pooch lega, to aapse kilometer pooch lega hi. Clear hai? अतानु चक्रवर्ती सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इनके इनके चेयरमैनशिप में आप बोल सकते हो कि ये अमाउंट अप्रूव हुआ है. एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर इज मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर्स हैं. नहीं, नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स, यहां पर 8 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है. दिस प्रोजेक्ट इज फॉर 8 स्टेट्स. 8 स्टेट्स के लिए ये प्रोजेक्ट है. 7 स्टेट्स के साथ मतलब आपके पूरे 8 स्टेट्स को कवर किया गया है यहां पर. क्लियर है? चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट न्यूज देखें भाई. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. सेंटर नोटिफाइज न्यू वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स. अब पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं सर. वेटलैंड कंजर्वेशन का, वेटलैंड का मतलब क्या है? वेटलैंड इज द एरिया which occupy the water or where the water is occupied for round the year or for 1 month, 2 month, 3 month, doesn't matter. मतलब ऐसा area आप बोल सकते हो, pond, well, lakes, ऐसे areas जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पर पानी जमा होता है, मतलब अच्छा वाला water, जो which can be usable water. तो basically simple से examples बोलें तो pond होगा, lake होगा, ऐसी जगह जहाँ से हम पानी का use कर सकते हैं. Guys, practically बात करें, so I am in Bangalore and Bangalore was known as the city of lakes in India at a time. There was a time when Bangalore was also known as the city of lakes. There are lots of city of lakes in India. Udaipur को भी बोला जाता है, Bhopal को भी बोला जाता है, Srinagar को भी बोला जाता है. After that, Bangalore was also there. But आज की date में नहीं बोलते, because lots of the lakes converted into buildings nowadays in Bangalore. But again, now the Karnataka government wake up and they started again digging the Bangalore lakes and they started conserving them. Abhi practically dekh pa rahe hain yahan par ki unka conservation wapas se start hua hai Bangalore mein lakes ka. Ye problem not only in Bangalore, this is the problem in lots of the places in the country, that the builders, they always keep eyes on such lakes aur uske upar wo kachra vagera dalwa kar, and after that they started making the buildings on them. So this rule will stop them, because in this rule the government clearly said, the Ministry of Environment, Forest, Climate Change clearly notified that prohibits setting up expansion of industries, disposal of construction, demolition waste within the wetland. Wetland मैंने बताया क्या है? Lakes मान लो आप, तो pond मान लो, वो area wetland होगा. मंत्रालय के नए संरक्षण नियम अधिसूचित करता है कि जो उद्योगों की स्थापना, विस्तार और wetland के भीतर निर्माण, कचरे को पटकना, सब कुछ बैन होगा. ना तो आप वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और यू कैन नॉट डंप द गार्बेज आल्सो इन दैट प्लेस. तो ये सारी चीजें बैन होंगी, इट विल बी अ क्राइम. तो ये गवर्नमेंट का रूल आया है. पॉइंट क्लियर है सर मेरा? नहीं, फॉलो तो करना पड़ेगा पूजा कुमारी जी. वंस द गवर्नमेंट विल कम इन देयर मूड दैट सिटीजन शुड फॉलो दिस रूल, दे शुड फॉलो. मतलब अगर गवर्नमेंट मूड में आ जाए कि आपको फॉलो करना पड़ेगा रूल, तो उस केस में फॉलो करना पड़ता है. तो अगर इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया गया तो फॉलो तो करना पड़ेगा. ठीक है?
तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेटलैंड एंड गवर्नमेंट हैव ऑल्सो प्लानिंग टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेटलैंड्स इन इंडिया. मतलब इंडिया में कितने कहां कहां पर लेक्स हैं, कहां पर वेल्स हैं, उन सबका एक पूरा लिस्ट बन जाएगा विच विल बी अवेलेबल ऑनलाइन. वी विल बी एबल टू सी इट कि ओके दिस इज द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय अ लेक एंड इट इज कंजर्व्ड. तो बेसिकली कंजर्वेशन के ऊपर है, अच्छा इनिशिएटिव है. आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली एग्जाम में आपसे डेट पूछता है एंड नाउ डेज डेट इज वेरी वेरी कॉमन. द क्वेश्चन विल बी दैट भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो इट्स एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of January. Every year it is celebrated on 9th of January. What is the reason? Reason is that Mr. M.K. Gandhi in 1915, on 9th of Jan 1915, Mr. M.K. Gandhi, the father of our nation, came back to India from South Africa. South Africa se India aaye the is din. Now, the NRIs, those are working outside India and they are making the Indian name proud. तो उन लोगों को एक टाइप से ऑनर करने के लिए NRI डे, आप NRI डे भी बोल सकते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 9th of January को. तो हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, इंग्लिश में भी भारतीय प्रवासी दिवस ही बोलते हैं. 9 जनवरी हर साल मनाया जाता है. इट वॉज द 16th. इस बार का क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला तो आपका कि 2020 में मनाया जाने वाला भारतीय प्रवासी दिवस का कौन सा एडिशन था. इन 2020 द भारतीय प्रवासी दिवस वॉज सेलिब्रेटेड, इट वॉज विच एडिशन ऑफ भारतीय प्रवासी दिवस. सो आंसर विल बी 16th. पॉइंट क्लियर है, 16th है. खुशबू अग्रवाल जी, कॉस्ट मार्जिनल फंडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. आप ऐसा करिएगा, मेरे को एक मेल ड्रॉप कर दिया help@olivboard पर, मैं एक शॉर्ट में बनाकर भेज दूंगा. doubts@olivboard पर मेल ड्रॉप कर दीजिएगा आदित्य सर लिखकर, मैं आपको शॉर्ट में भेज दूंगा डेफिनेशन क्या हो सकता है. ठीक है, चलिए. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था भारतीय प्रवासी दिवस को. डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी इंडिया के, इन्होंने जो NRIs हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया थ्रू ऑनलाइन. एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट नेम, वन इंपॉर्टेंट नेम, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हर्षवर्धन श्रृंगला. दो तीन नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं गाइस, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं. इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग इनवाइट्स एंट्री फॉर लोगो डिजाइन, फॉर लोगो डिजाइन. चलो हिंदी में पढ़ लेता हूं पहले. बीजिंग, चीन में भारत के दूतावास, दैट इज द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन चाइना. भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगो डिजाइन प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं. इंग्लिश वाले बच्चे सुनिएगा, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन द चाइना इनवाइटेड द एंट्रीज टू डिजाइन द लोगो ऑन द कंप्लीशन ऑफ 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो जो हमारा इंडियन एम्बेसी है चाइना में, उन्होंने इन्वाइट किए हैं लोगोस को, लोगो डिजाइन करने के लिए. द प्राइज विल बी अनाउंस्ड ऑन 20th, बिफोर 20th of January 2020. And Indian ambassador to China is Mr. Vikram Mistry. Name is important. अगर Indian embassy news में आया है China वाला, तो definitely ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो Indian ambassador है उनका नाम क्या है. मेरा point clear है, आगे बढ़ें. चलिए अगला point देखिएगा. This year the diplomatic relation between India and China will be focused on which theme? एक question हो सकता है deep थोड़ा सा. Answer will be Chennai Connect and Chennai Vision. Guys, I am repeating again. This year the diplomatic relation between India and China will focus on. तो answer होगा Chennai Connect and Chennai Vision. The reason is that Tamil Nadu state had signed sister agreement with Fujian Province of China. हिंदी वाले बच्चे सुनिएगा, तमिलनाडु और चाइना के फ्यूजियन प्रांत के बीच में सिस्टर स्टेट का एग्रीमेंट साइन हुआ है. उसके अकॉर्डिंग चेन्नई कनेक्ट, चेन्नई विजन, डेवलपमेंट ऑफ चेन्नई एंड पोर्ट एंड द वॉटरवे,
द सी वे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में समुद्र का रास्ता है प्रीवियसली कैसा था, हिस्टोरिकल उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीजों पर काम कर रहे हैं. वाई चेन्नई, बिकॉज चेन्नई बिलोंग्स टू तमिलनाडु. रीजन बता रहा हूं वाई चेन्नई, बिकॉज चेन्नई बिलोंग्स टू तमिलनाडु एंड द फ्यूजन स्टेट ऑफ चाइना एंड द तमिलनाडु स्टेट हैव सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट. सिस्टर स्टेट्स का एग्रीमेंट है. याद होगा आपको गुजरात, गुजरात ने भी सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के स्टेट्स के साथ. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूएसए स्टेट? यूएसए के उस स्टेट का नाम बताइएगा जिसके साथ गुजरात ने सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट साइन किया. जल्दी से बताइएगा क्या है. बहुत बढ़िया, देखिए जैरोल का आंसर आ गया है डेलावेयर, यूएसए. बिल्कुल सही है. सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट ये होता है वेयर दे विल टू स्टेट्स विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर इन इन लॉट्स ऑफ द फील्ड्स. किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, एजुकेशन भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, हेल्थ भी होगा, एंड दे विल सपोर्ट टू ईच अदर ऑन दैट एरिया. सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है. तो गुजरात ने डेलावेयर स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट साइन किया. दूसरा याद रखेंगे, तमिलनाडु ने फ्यूजन प्रोविजंस के साथ सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट साइन कर रखा है. आगे बढ़ते हैं सर अगले न्यूज की तरफ. आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा. नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं. ओवर 8 करोड़ फार्मर्स. बहुत आराम से डेटा पिक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवर 8 करोड़ फार्मर्स फैमिलीज बेनिफिटेड अंडर पीएम किसान स्कीम. पीएम किसान योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक किसान परिवार, बोला है उन्होंने, लाभान्वित हुए, प्रॉफिट मिला. गवर्नमेंट सेड, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री सेड मोर देन 48,937 करोड़ रुपए. गाइस डेटा इज इंपॉर्टेंट, दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट सेड 48,937 करोड़ रुपी हैज बीन रिलीज्ड अंडर पीएम किसान स्कीम टिल डेट. मतलब अभी तक उन्होंने कल ही परसों डेटा रिलीज किया. यू कैन रिमेंबर टिल इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2020, फर्स्ट वीक ऑफ जन 2020 तक. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पीएम किसान gov.in पर गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी स्टार्ट की, एक पोर्टल पे एक फैसिलिटी स्टार्ट की है वेयर द फार्मर्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ बाय देयर ओन, जहां पर फार्मर्स खुद जाकर खुद को रजिस्टर्स कर सकते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात को, कि फार्मर वेबसाइट मोबाइल पर ऐप खोलेगा और वहां पर जाकर रजिस्टर करेगा. डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है. इंडिया में अभी भी फार्मर इतना अवेयर नहीं है कि वेबसाइट वगैरह कैसे चला पाए. कुछ स्टेट्स में हो गए हैं बट स्टिल मेजॉरिटी आप देखोगे तो डिफिकल्ट है. बट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फैसिलिटी, अच्छी बात है. मिनिस्टर कौन है सर? नरेंद्र सिंह तोमर इज द मिनिस्टर. बात कर रहे हैं हम किसकी? पीएम किसान स्कीम की. पीएम किसान स्कीम की बात कर रहे हैं तो डिटेल्स देख लेते हैं पीएम किसान स्कीम का. लास्ट ईयर फेब 2018 में, लास्ट ईयर फेब 2019 में, सॉरी 19 में गवर्नमेंट ने अंतरिम बजट में, इंटर्म बजट में अनाउंस किया था पीएम किसान स्कीम. दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एट दैट टाइम व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस्ड, द स्कीम वाज अनाउंस्ड ओनली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मीन्स the farmer with the land holding, the farmer with the land holding up to 5 acres comes under small and marginal farmers. So, usse zyada wale farmers ko include nahi kiya gaya. But when the real budget, when the main budget of financial year 2019-20 was announced, that time government said all the farmers will be included under this, not only small and marginal farmer. पॉइंट मेरा क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट ने कहा कि पहले कहा था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आएंगे, बाद में कहा कि नहीं, सारे फार्मर्स को इंक्लूड किया जाता है इस स्कीम के अंडर. स्कीम क्या है भाई? 6,000 रुपी पर ईयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू देयर अकाउंट, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. वो आप सबको पता है. सारे फार्मर्स को इंक्लूड किया गया. बजट एलोकेशन कितना था करंट फाइनेंशियल ईयर का? कितना? 87,217.50 करोड़ वॉज द बजट एलोकेशन. अंतरिम बजट में अनाउंस किया था 75,000 करोड़, इंक्रीज कर दिया था नियरली 17,000 करोड़ जो है आपका, 17,000 करोड़ इंक्रीज किया उसके बाद. तो 87,000 करोड़ आपका बजट एलोकेशन था. ऑल फार्मर्स बेनिफिशियरी थे तो एक्सपेक्टेड था
14.5 बेनिफिशियरीज को कवर करना अंडर दिस स्कीम। आगे बढ़ते हैं, पीएम किसान के बारे में वैसे भी काफी बार डिस्कस किया है, और आगे बढ़ते हैं और अगले स्कीम को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम पर आते हैं। लैंड होना जरूरी है इसके लिए, आइदर दे शुड सो दैट दे आर यूजिंग द लैंड ऑफ एनीवन ऑन रेंट, अगर रेंट पर भी यूज कर रहे हैं उस केस में भी मिल रहा है, बट फार्मर है ये प्रूव करना जरूरी पड़ेगा, फार्मर है प्रूव करना जरूरी होगा। यूनियन बजट टू बी प्रेजेंटेड ऑन 1st February 2020 को यूनियन बजट आ जाएगा, 31st January 2020 को आएगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। डिफरेंस समझिएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ, इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंडिया और रिपोर्ट कार्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट वन ईयर परफॉर्मेंस। मतलब आपको एक चीज क्लियरली बता दूं मैं, जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा आपका, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20। We will get the economic survey of 2019-20 and we will get the budget. Budget किसका मिलेगा हमको? Budget we will get for 2020 and 21 का budget आएगा। Point clear हुआ सर मेरा? 2020-21 का budget आएगा। क्लर्क एग्जाम के लिए मैं ये बोलूंगा कि एक चीज हो सकती है कि मे बी वन और टू क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जामिनेशन, बट मैंने इतनी बार बजट रिवाइज करवाया है आप लोगों का, आई थिंक कर लोगे एग्जाम में। ठीक है, क्या हो गया भाई, रिसेंटली 7 कंट्रीज ने करेंसी फ्रेंक से चेंज करके जो है इको किया है। देखते हैं माधुरी जी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, करेंगे उसके बारे में बात, ठीक है, पेड क्लास में कर लेंगे बात उसके ऊपर। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, अंतर समझिए, बजट 2021 का आएगा और 1920 का आपका आएगा इकोनॉमिक सर्वे, विच इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ लास्ट वन ईयर, लास्ट वन ईयर का रिपोर्ट कार्ड होता है। मिस्टर जेम्स विल्सन, कुछ पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, मिस्टर जेम्स विल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ यूनियन बजट इन इंडिया, इंडिया में यूनियन बजट का फादर कहा जाता है मिस्टर जेम्स विल्सन को, ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला बजट इन्होंने प्रेजेंट किया था। After the independence of India, R.K. Sanmukhan Chetty was the person who presented the first budget of India. So, question आता है exam में, who presented the budget of independent India? Independent India का budget किसने present किया? तो answer हो जाएगा R.K. Sanmukhan Chetty. Once the India got republic, once the India became republic, the constitution was implemented. उसके बाद पहला budget जो 1950-51 में present किया, वो किया था John Mathai ने। तो तीन नाम important होंगे आपके लिए। First will be James Wilson, father of Union Budget in India. The second name will be R.K. Sanmukhan Chetty, Free India का पहला budget. John Mathai, Republic India का पहला budget. आगे चलते हैं सर. So the budget session will be conducted in two phases. This year the budget session will be conducted in two phases. The first phase of budget will be starts from 31st January and the second phase of budget session will be started from 2nd of March. तो दो फेजेस में आपका बजट सेशन चलने वाला है गाइस। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे को बनाने का जो काम होता है वो होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, आप बोल सकते हो यही प्रिपेयर करते हैं। हु इज द करेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? मिस्टर के सुब्रमण्यम, मिस्टर के सुब्रमण्यम इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं सर अगले न्यूज की तरफ। श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर दिनेश गुनावर्धने, मिस्टर दिनेश गुनावर्धने रिसेंटली ऑन द 3 days विजिट ऑफ इंडिया। एग्जाम के लिए क्वेश्चन निकालूंगा पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका विजिटेड ऑन वाज ऑन द 3 डे विजिट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ हिम? अभी कुछ समय पहले श्रीलंका के विदेश मंत्री भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए, उनका नाम क्या है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर देंगे एग्जाम में, आंसर हो जाएगा दिनेश गुनावर्धने। क्लियर है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, ही मेट विथ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका नाम सबको पता है एस जयशंकर, इन न्यू दिल्ली इन्होंने इनका विजिट हुआ। ठीक है, आर्थिक परियोजनाओं में सहयोग, भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश, मछुआरों का मुद्दा,
देयर इज अ बिग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ऑल्सो. कहा जाता है जो इंडियन हमारे मछुआरे होते हैं वो बार बार जो हमारे जो फिशरमैन है वो बार बार अपनी टेरिटरी क्रॉस करके श्रीलंका चले जाते हैं एंड द श्रीलंकन नेवी ऑफिसर शूट्स देम, वो शूट कर देते हैं उस केस में. तो ये बहुत टाइम से इश्यू है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसको रिजॉल्व भी करने की यहां पर बात की गई है. सो द कोऑपरेशन इन द इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन कंपनीज, द इश्यू ऑफ फिशरमैन स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशियन अमंग ऑल दीज इश्यूज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस इन सच मीटिंग्स. इन मीटिंग्स में क्लियर है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पिक करेंगे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा ये आपका. स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा, मिस्टर दिनेश गुणावर्धन इज एक्सपेक्टेड टू विजिट महाबोधि टेम्पल ऑफ बुद्धा, दैट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस. कहां पर सिचुएटेड है महाबोधि टेम्पल ऑफ बुद्धा, ये आपका स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि करंट में आया. करंट हमेशा स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी बनाता है, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर है, आगे बढ़े. क्या व्हाट हैपन युवराजन, युवराजन जी क्या हुआ? इंग्लिश में भी तो है वही न्यूज, बता दो रहो इंग्लिश में. ठीक है, बोध गया बिहार, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ऑपरेशन संकल्प एंड स्ट्रेट ऑफ होमरोज. गाइज स्ट्रेट ऑफ होमरोज या होमरोज का जल डमरू मध्य इज दिस एरिया, वेरी क्लोज एरिया विच इज सराउंडेड बाय द गल्फ नेशंस. जो गल्फ नेशंस है उनसे सराउंडेड है, ईरान, आफ्टर दैट सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, ओमान, एंड फ्रॉम हियर द इंडियन शिप्स पास्ट एंड कम टूवर्ड्स द इंडिया अरेबियन सी से होते हुए इंडिया की तरफ आते हैं. प्रॉब्लम इज दैट अभी आपको पता होगा देयर इज अ बिग मैटर, बिग सिचुएशन. एक पूरा मूवी चल रहा है इन बिटवीन ईरान एंड यूएसए. ईरान और यूएसए के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द इंडियन शिप्स, जो इंडियन मर्चेंट्स के शिप्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन संकल्प. ये रीजन है ऑपरेशन संकल्प लॉन्च करने के पीछे. सेकेंड थिंग ऑपरेशन संकल्प जो है दैट इज अंडर इज व्हाट गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग. गवर्नमेंट इज कीपिंग देयर वॉरशिप इन दिस रीजन. ये जो अरेबियन सी वाला रीजन, इन दिस रीजन गवर्नमेंट इज कीपिंग देयर वॉरशिप्स टू प्रोटेक्ट और टू फेस एनी एडवर्स सिचुएशन. तो इंडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया है. कहां पर लॉन्च किया गया है? स्ट्रेट ऑफ होमरोज या फिर हिंदी में बोला जाता है होमरोज का जल डमरू मध्य. पॉइंट क्लियर है मेरा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है न्यूज में. रिसेंट में आपको याद होगा जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ हुई बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ यूएसए ऑन ईरान. यूएसए का जो ईरान पर अटैक हुआ था बाय द ड्रोन अटैक, तो इनकी डेथ हो गई. ही वॉज वन ऑफ द रिस्पेक्टेड मोस्ट पावरफुल जनरल इन ईरान. ईरान के बहुत पावरफुल जनरल थे. यू कैन कंपेयर विद द नेवी चीफ, आर्मी चीफ ऑफ एनी नेशन. ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए ईरान ने भी रिटेलिएट किया. ईरान ने भी यूएसए के ऊपर अटैक किया, पता होगा मिसाइल अटैक किया था. बट यूएसए सेड देयर इज नथिंग लाइक एनी हार्म वी हैव गॉट फ्रॉम इट. हमको कोई भी हार्म यहां से नहीं हुआ है. क्लियर है, आगे बढ़े. चलो अभी उनकी जगह सीता अग्रवाल जी, किसी ने भी उनकी जगह नहीं ली हुई है. आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं. इंस्टीट्यूशन एट गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी टू गेट द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूट. नेशनल इंस्टीट्यूट का स्टेटस दिया जा रहा है किसको? गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को. तो गुजरात आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन मेनली पिक करेंगे, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन इन द गुजरात यूनिवर्सिटी एट जामनगर. कहां पर सिचुएटेड है? जामनगर. विल गेट द स्टेटस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. क्या अंतर हो जाएगा?
फर्स्ट थिंग टैग बढ़ जाएगा, दिस इंस्टीट्यूशन इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहला एडवांटेज ये. सेकेंड एडवांटेज, द गवर्नमेंट सच इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड स्पेशल रिकॉग्निशन एंड द फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फंडिंग भी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, पैसा बढ़ जाता है. तो दो एडवांटेज है, एक तो आप स्टार्ट कर देते हो लिखना दैट नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड द फंडिंग इंप्रूवमेंट, वह फंडिंग बढ़ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. ये दो इंपॉर्टेंट हैं चीजें यहां पर. ठीक है, आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं. अगला न्यूज है रिलेटेड टू द जीडीपी ऑफ इंडिया. वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी एट 5%. गाइस 6% था पहले वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक सडनली 5% पर आ गया वर्ल्ड बैंक. बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं. सो वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी ऑफ इंडिया टू द 5%. विश्व बैंक ने 5% का जो जीडीपी है वो अनाउंस किया है. गाइस बहुत आराम से चेक करना, मॉर्निंग में ही मैं एक क्लास देख रहा था, नाम नहीं लूंगा किसी और प्लेटफॉर्म का, बट वहां पर आज सुबह ही दिखाया जा रहा था 6.1% और 6% समथिंग वो वर्ल्ड बैंक का दिखा रहे थे. तो बहुत जल्दी से आप देखते चलना, चेंजेस आ रहे हैं और जो नए चेंजेस हैं उनको एडॉप्ट करने की कोशिश करिए. ठीक है, अगर मैं भी कहीं गलती करता हूं गो इन द कमेंट बॉक्स एंड राइट इट सर ये डेटा अपडेट करें, आई विल ऑल्सो अपडेट. तो उसको चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स में. वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्टेड that India is slightly to grow up at 5.8% in the next year. 2020 में जो है 5.8% पर grow करेगा. Current में, current financial year में 5% बोला गया है. According to the World Bank, the growth rate of Bangladesh will be above 7%. इनका growth rate जो है वो 7% ही रहने वाला है. Guys, one more important news is that SBI State Bank of India also reduces the GDP forecast of India. पहले कितना परसेंट का था? 5%. 5% से डिक्रीज करके लेकर आ गए कितने पर? 4.6% पर. क्लियर है? 4.6% पर लेकर आ गए हैं. और हियर वी हैव द कंप्लीट डिटेल्स, पूरा का पूरा डिटेल्स यहां पर है, आराम से देख लो. विच SBI? मैंने थोड़ा सा साथ में लेकर आ गए हैं, सेग्रीगेट कर दिया है कि एक साथ रह जाए आपकी चीजें. पिच एंड एसबीआई, इन्होंने कहा 4.6%. नाउ आरबीआई, सीएसओ, फिक्की, एनएसओ, एनएसओ को मैंने लास्ट क्लास में बताया था 5%. क्लियर है? एसबीआई ऊपर मूव कर गया है. टिल लास्ट क्लास आई केप्ट एसबीआई हियर इन द रेंज ऑफ 5. आज हमने ऊपर ले जाकर 4.6 पर रख दिया है. एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला 5.1%. वर्ल्ड बैंक कहां गया? हमारा इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड बैंक 6% से डिक्रीज करके कर दिया है 5%. आफ्टर दैट इंडिया रेटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनका भी इंपॉर्टेंट है 5.6%. मूडी ने रिसेंट में डिक्रीज किया है, मूडी ने कर दिया 4.9%. तो ये सारे आपके पास अपडेटेड हो गए. क्लियर है? इज दैट क्लियर? गाइज डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. Each organization use the standards according to them. That is why the different expectations or projections comes from the different organization. But you will find it is not a big gap. 0.4% is not a big gap. Here is the big gap, 7%. Someone is saying 4.6, someone is saying 7. But who is that someone? That is economic survey. That is economic survey formed by the chief economic advisor of India. So they will not say against the government of India, right? तो वो तो 7% show करेंगे, वही project कर सकते हैं इतना सारा. आगे बढ़े, चलो next देखते हैं भाई. Next, air taxi, Uber Technologies INC, साउथ कोरियन ऑटोमेकर कंपनी हुंडई. पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बनाएंगे हम? फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट रिसेंटली ऊबर टेक्नोलॉजीज टाई अप विथ विच कंपनी टू लॉन्च द एयर टैक्सी. एयर टैक्सी को लॉन्च करने के लिए ऊबर ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हुंडई. ठीक है, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को डेवलप करने के लिए, उड़ने वाली टैक्सी डेवलप करने के लिए. And they said that the project will be commercialized, it will be started by 2028 में स्टार्ट हो जाएगा.
Hyundai is the first company, first car maker company who have tied up with Uber. Uber के साथ tie up करने वाली पहली car manufacturing company है Hyundai. Point clear है मेरा? इसलिए important है 2028 में launch कर देंगे. चलिए revision की तरफ चलते हैं guys. एक news और बची है मोदी जी से related. मोदी जी interact with the leading economist entrepreneurs economic growth for the on the economic growth at Niti Aayog. Niti Aayog में Modi ji ने जो बड़े-बड़े अर्थशास्त्री और businessmen ने उनके साथ meeting की है related to the development of India, investment related to the investment, future investment in India. कि कैसे Indian economy को increase किया जाए, how the GDP of India will increase, India का GDP कैसे ऊपर ले जाए, privatization मैं जो liberalization की जरूरत है उसके लिए जो discussion थे businessman से वो भी किए हैं और कुछ भी नहीं है इस news में related to कि कुछ important हो discussion हुए result क्या निकलता है let the future will decide it. आगे बढ़ते हैं सर. First question देखते हैं which of the following has been elected as the speaker of Jharkhand assembly. आपका time आ गया जल्दी जल्दी से answer लगाइएगा जल्दी जल्दी answer लगाइएगा. जी हाँ finance minister was absent. फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का टाइम है जल्दी आंसर करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ झारखंड असेंबली. निम्नलिखित में से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है. बहुत बढ़िया आंसर आ गया है रविंद्रनाथ महतो. रविंद्रनाथ महतो जी को चुना गया है और प्रोटेम्प स्पीकर थे स्टीफन एंड ही एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ दिलवाने का काम इन्होंने किया. हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के एंड द्रुपति मामरू इज द गवर्नर. आगे बढ़े किसने नई दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन किया. हु हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब इन न्यू दिल्ली. जल्दी से आंसर चाहिए. हु हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब इन न्यू दिल्ली. व्हाट इज द आंसर. गोयल. ओके ऑप्शन ई. वेरी गुड. पीयूष गोयल ने इनॉग्रेशन किया. The National Stock Exchange Knowledge Hub will provide the knowledge sharing related to the banking, finance and insurance sector in India. Girish Chandra Chaturvedi recently appointed as the chairperson of NSE. That is why it is very, very important. Aage badhte hain. Next question. Which Indian state is organizing zoo festival in the countries such as Myanmar, US, Bangladesh and 10 states across India. इनमें से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार बांग्लादेश और अमेरिका जैसे देशों के साथ साथ भारत के 10 राज्यों में जू फेस्टिवल आयोजन करने वाला है. मिजोरम. वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज मिजोरम. एंड पीएस श्रीधरन पिल्ले इज द गवर्नर. गवर्नर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद रखिएगा. कैपिटल इज आइजवाल. स्टेट फॉर्मेशन 20 फरवरी 1987. नेक्स्ट क्वेश्चन. विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है. इंग्लिश में क्वेश्चन बनेगा आपका वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फिन्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन. डिस्कस किया हुआ है सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है बस उसी से रिलेटेड आगे मूव कर रहे हैं. व्हाट विल बी द आंसर. सिक्स्थ फोर्थ. ओके चलो मेजॉरिटी सिक्स्थ के साथ जा रही है. दैट इज आल्सो करेक्ट. 6th of January इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं सर. फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फ्रॉम फरवरी 2 टू मार्च 1 इज गोइंग टू हेल्ड एट विच प्लेस. फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनिवर्सिटी गेम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर होने वाला है. आसाम उड़ीसा. ऑप्शन डी पुणे. बहुत सारे आंसर है. गुवाहाटी भुवनेश्वर सारे ऑप्शन यूज कर लो. बहुत बढ़िया. चलो भाई आंसर पे मूव करते हैं गाइस. करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर उड़ीसा. करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर उड़ीसा. क्लियर है. भुवनेश्वर उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एंड खेलो इंडिया यूथ गेम. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. खेलो फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इज गोइंग टू हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा एंड फर्स्ट एडिशन एंड द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम इज गोइंग टू स्टार्टेड इन गुवाहाटी असम. गुवाहाटी असम में स्टार्ट हो गई. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड रिसेंटली टाई अप विथ विच कंपनी विच ई कॉमर्स कंपनी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लाइक ग्रोसरी जनरल मर्चेंडाइज फैशन फुटवेयर एक्सेट्रा.
किसके साथ टाई अप किया है फ्यूचर रिटेल ग्रुप ने, आंसर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर है अमेजोन, पेटीएम नहीं है भाई, पेटीएम कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, करेक्ट आंसर इज अमेजोन। किशोर बयानी इज द चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एंड अमित अग्रवाल इज द सीईओ ऑफ अमेजोन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जम्मू के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भटनागर, राजीव राय भटनागर। चलो भाई आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर है राजीव राय भटनागर, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के वो हैं जीसी मुर्मू। गाइस जीसी मुर्मू तिरुपति मुर्मू में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जीसी मुर्मू जो हैं वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के। अच्छा अगला पॉइंट देख लो यहाँ पर, राधा कृष्ण माथुर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख हैं, पहले लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इनके जो एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है उमंग नरुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑपरेशन ट्विस्ट मैंने एक्सप्लेन किया बहुत आराम से बहुत प्यार से कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। कंडक्टेड बाय आरबीआई, जहां पर आरबीआई क्या कर रहा था, लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को परचेस कर रहा था और शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर रहा था टू फ्लोट द लॉन्ग टर्म मनी इन द मार्केट, की जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वगैरह है उसमें बूस्ट किया जा सके, जीडीपी को इंप्रूव किया जा सके, ग्रोथ रेट बढ़ाई जा सके। इन ऑपरेशन ट्विस्ट 3 आरबीआई बाय एंड सेल बॉन्ड्स ऑफ वर्थ हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट का बॉन्ड परचेस और सेल किया गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज कितने अमाउंट के लिए किया गया। करेक्ट आंसर है आपका 10,000 करोड़, बिल्कुल करेक्ट है 10,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस कमेंस्ड एट विच सिटी, कहां पर हुआ एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का पांचवा संस्करण, वेयर इट वॉज हेल्ड, पुणे। चलो भाई आंसर देखते, पुणे, चलो करेक्ट आंसर इज पुणे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है पुणे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ने इसको कंडक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अभी बताया मैंने आपको, चार्ट दिखाया, स्नैपशॉट लेने के लिए भी बोला था, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो, आई टोल्ड यू। तो कितना आंसर होगा, क्या बताया इन्होंने, 5%, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर है 5%। मिस्टर बिमल के रॉय इज द चेयरपर्सन ऑफ एनएसओ, याद रखिएगा बिमल के रॉय जो है वो चेयरपर्सन है एनएसओ के। मोदी जी का पिक लगा रखा है मैंने यहाँ पर बाय सीइंग द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया, की मोदी जी के एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। चलो, राव इंद्रजीत इज द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दैट हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल परमिशन कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहला सहकारी बैंक जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, सर उसका नाम बताइएगा, क्या नाम है उस बैंक का, ठीक है, शिवालिक, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। गाइस पॉइंट याद रखिएगा, हेडक्वार्टर ऑफ दिस बैंक इज सिचुएटेड इन सहारनपुर एंड नोएडा, बोथ सिटीज आर सिचुएटेड इन यूपी, यूपी बेस्ड बैंक है, सहारनपुर एंड नोएडा इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस बैंक, इसके हेडक्वार्टर है, दो हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द एनिमेटेड फिल्म कैटेगरी, पॉइंट अच्छे से पिक करिएगा, एनिमेटेड फिल्म कैटेगरी इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में एनिमेटेड फिल्म कैटेगरी में किस मूवी को जो है बेस्ट मूवी अवार्ड मिला है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ड्रामा कैटेगरी आपके साथ, कॉमेडी एंड म्यूजिकल कैटेगरी, ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका एनिमेटेड फिल्म कैटेगरी, तो करेक्ट आंसर है मिसिंग लिंक, और डिटेल्स जो है वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड म्यूजिकल कैटेगरी में है, 1917 ड्रामा कैटेगरी में था, एनिमेटेड फिल्म मिसिंग लिंक कैटेगरी में। इसके बाद एक और बचता है फॉरेन लैंग्वेज पैरासाइट साउथ कोरियन मूवी, विच इज अ साउथ कोरियन मूवी, ये आपका फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में था। चलिए गाइज हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है,
हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है एसबीआई क्लर्क का बैच जो है वो डेटा ड्रिवन बैच है. आई थिंक कुछ फैकल्टीज ने आपके साथ डिस्कस किया होगा बट विनोद बन जाएगा आज बन जाएगा. मैं खुद बनाऊंगा बैठ के प्लेलिस्ट. बहुत चिंता है मेरे को भी प्लेलिस्ट की. रियली है बिल्कुल बना रहा हूं प्लेलिस्ट आज बनवाई दूंगा बैठ कर. ठीक है चलो जय हिंद मत करो. दो मिनट और सुन लो मुझको फिर चले जाना वीडियो को लाइक करके. बिना लाइक किए मत चले जाना भाई. देखो भाई थोड़ा सा बताया जैसे मेरे को मैथ्स वाले सर ने जितना बताया उसके हिसाब से आपको बता देता हूं. उन्होंने कहा कि मेंसुरेशन में बच्चे 82.2% बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए मेंसुरेशन वाला पार्ट जो था एग्जामिनेशंस में जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे. अब जो टाइम की बात करें जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपको 27 सेकंड्स में सॉल्व कर लेना था बट सॉल्व करने में बच्चों ने 40 सेकंड लगाया जहां पर टाइम ज्यादा लिया बच्चों ने. तो ये पूरा कैलकुलेशन किया कि कहां पर बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए वेयर द स्टूडेंट हैव टेकन टाइम मोर देन रिक्वायर्ड जहां पर जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया उन टॉपिक्स को लाइनअप हम लोगों ने किया है और उन टॉपिक्स को लाइनअप करने के बाद हमारा बैच इस पर स्टार्ट हो रहा है. पूरे डिटेल्स आप दो तरीके से ले सकते हैं आइदर विजिट ऑन ओलिवबोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट और ऑन ऐप अदरवाइज यू कैन ड्रॉप अ मेल एट help@olivboard. वो आपको कॉल करेंगे वो आपको पूरे डिटेल्स इसके शेयर कर देंगे. सर इंटरव्यू बैच एज पर आ रहा है 14th ऑफ जनवरी से इंटरव्यू बैच आ रहा है एज प्लेटफॉर्म पर. आई विल टेक द इंटरव्यू बैच 1-to-1 डिस्कशन करूंगा इंटरव्यू बैच में हैंगआउट चैट के थ्रू करूंगा. ठीक है तो पढ़ाऊंगा भी और उसके बाद बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन करूंगा. जिनको लग रहा होगा सर ऑफलाइन में तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता बेटा ऑनलाइन में भी हो सकता है. मैं करूंगा ऑनलाइन में डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके साथ. ठीक है चलो अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कल 200 से ज्यादा लाइक्स थे वीडियो के ऊपर 250 के आसपास और आज देखते हैं कितनी आप लोग मेरी हेल्प करते हो इंक्रीज करने में लाइक्स को. तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर क्लास को लगता है कि हाँ इफेक्टिव है आदित्य सर मेहनत कर रहे हैं शेयर कर दो लाइक कर दो. पढ़ाई तो करनी करनी हो तो मैं करवाऊंगा बट मेरे अप्रिशिएशन मेरे को संतुष्टि मिले ना सेटिस्फेक्शन भी तो जरूरी है लाइफ में. तो शेयर करो लाइक करो और अगर पहली बार देख रहे हो यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेस द बेल आइकन सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. आई विल मीट यू नाउ टुडे 3:00 फॉर जीए जीनियस शो. विल डू द कंप्लीट रिविजन of whole week of current affairs in the form of MCQ. Till that time keep watching Oliveboard. Jai Hind.